हेलो यून, रोज की तरह इस वीडियो में कवर करेंगे उन खबरों को जो बिहार में शिक्षक बहाली या साथ में फेस की अपकमिंग बहाली से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो आज की खबरों में कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको फील गुड फैक्टर दे सकती हैं, जो आपको अच्छी खबरें लग सकती हैं साथ में फेस की बहाली के संदर्भ में। तो चलते हैं वन बाई वन खबरों की तरफ और देखते हैं क्या कुछ है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार से मैंने ये वाला खबर लिया है। प्लस टू स्कूल्स में कई सब्जेक्ट्स में, खासकर कंप्यूटर साइंस में, लोगों की उम्मीद इस बात से जुड़ी हुई है, और जूलॉजी का भी मैं कह रहा हूँ, कि जो उत्क्रमित स्कूल हैं वो ऑपरेशनल होते हैं कि नहीं, उनमें पढ़ाई शुरू होती है कि नहीं। पढ़ाई शुरू होने में बहुत सारे अड़चन थी, बहुत सारे हर्डल थे, पर उसमें से एक जो अड़चन थी वो ये थी कि स्कूल्स को कोड नहीं मिला था। स्कूल का भी अपना एक यूनिक कोड होता है, एक स्कूल का, तो उत्क्रमित स्कूल को कई जगहों पर कोड नहीं मिला था। लेकिन मुजफ्फरपुर से प्रकाशित आज के हिंदुस्तान अखबार में आपको ये वाली खबर मिल जाएगी, जिसमें जिलावार अब जो कोड देने का जो सिलसिला है वो शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू किया गया है। हालांकि ये चीज़ कई महीने पहले हो जाना चाहिए था, अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए था, सेशन शुरू होने के पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर सवेरे सही सरकार इस पर काम कर रही है और ये वाली खबर आपके सामने है। बाकी इसको मैं एक बार पूरा मूव कर देता हूँ, आप इसको जगह जगह पर चाहें तो और पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर इसमें जो मुद्दे की बात है वो यही है कि अब स्कूल्स को कोड दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। सातवें फेज की शिक्षक बहाली को रुकने की कई, पहला वाला खबर तो आपने देख लिया, उसको भी आप एक फील गुड फैक्टर वाली खबर में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी खबर ये देखिए, 3 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर अटका, अब सातवें चरण की भर्ती के बाद होगा। तो सातवें चरण की भर्ती में ये भी एक अड़चन बताया जा रहा था, एक तो ये और दूसरा नगर निकाय वाला इलेक्शन, जो लोकल लेवल पर इलेक्शन होना है। हालांकि वो इलेक्शन उतना बड़ा नहीं होता जितना कि पंचायत इलेक्शन बड़ा होता है। पंचायत महीनों का बहुत सारे, ऑलमोस्ट 90% बिहार ग्रामीण इलाकों में बसता है, तो पंचायत इलेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर यह है कि अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, खबर के मुताबिक अब वो सातवें चरण की बहाली के बाद होगा। तो ये वाली भी खबर है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक अड़चन निकली है सातवें फेज की बहाली से। बाकी इसको पॉज करके अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वही सब तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। मुद्दे की बात बस यही थी कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सातवें चरण के बाद। अगली खबर की तरफ चलेंगे, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की, और दो तीन खबरें इसी तरह की छोटी छोटी खबरें हैं जिसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने की मांग, एक तो जॉब लेना मुश्किल, जॉब लेने के बाद ये वाली मुश्किल, सैलरी की, अब सैलरी की बात पिछले ऑलमोस्ट 15 दिन से लगातार चल रही है लेकिन अभी तक सैलरी मिला नहीं है जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, अभी जो पीछे जिन लोगों की रिक्रूटमेंट हुई उनको। अगली खबर की तरफ चलेंगे, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। पात्रता परीक्षा पास होंगे तभी वेतन वृद्धि, पात्रता परीक्षा पास ही होगी वेतन वृद्धि। शिक्षक विभाग ने साफ किया है कि नियमावली 2020 के तहत वेतन वृद्धि की पात्रता केवल उन्हीं प्रारंभिक शिक्षकों को दी जाएगी जो या तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है या फिर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सवाल यह कि सरकार उन तमाम टीचर्स को रख क्यों रखा है सरकार ने, जो जिनके पास ना पात्रता परीक्षा जिन लोगों ने उत्तीर्ण किया ना ही दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया, तो क्यों रख रखा है? जहाँ तक पात्रता परीक्षा की बात है, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन की बात है, तो TET तो चलो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पास हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं होता है। लेकिन जो बिहार TET हुआ, जो STET 2011-12 हुआ, उसमें कितनी धांधली हुई। लोगों के पास जो भी एक्टिव कैंडिडेट थे, एग्जामिनेशन से पहले फोटोकॉपी की शॉप पे, जेरोक्स कॉपी की शॉप पे क्वेश्चन पेपर मिल रहा था। चाहे BTET का हाल देख लें, STET 2011-12 का हाल देख लें, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत धांधली हुआ उन एग्जामिनेशन के अंदर। और दक्षता परीक्षा का तो पूछिए ही मत, दक्षता परीक्षा तो बस नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए सरकार ने लिया। अब कोई ऐसा कैंडिडेट जो दक्षता परीक्षा में भी फेल कर रहा है, एलिजिबिलिटी भी टेस्ट को पास नहीं किया है, तो इसका तो मतलब यही है कि वो पढ़ाई में भी जीरो है और चीटिंग करने में भी जीरो है, दोनों मामले में जीरो है, तभी दोनों में से कोई काम नहीं कर पाया। और इस तरह के टीचर्स सिर्फ और सिर्फ सरकार पे बोझ हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से। इन लोगों को सैलरी देने का कोई मतलब ही नहीं है, जब एडमिशन का स्पेलिंग नहीं पता है, फरवरी का स्पेलिंग नहीं पता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं पता है, संज्ञा सर्वनाम नहीं पता है, ऐसे ऐसे टीचर रख रखे सरकार ने। तो सरकार को अपनी बहाली सिस्टम को एक बार देखना चाहिए ज़रूर, सिर्फ शिक्षक बहाल करने से नहीं होगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो सरकार पैसा बिल्कुल वेस्ट हो रहा है।
आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, यह मार्गदर्शन सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। दरअसल सुपौल शिक्षा पदाधिकारी ने इस संदर्भ में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। फिलहाल विभाग ने दो टूक कह दिया है कि दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों को किसी भी स्तर पर वेतन वृद्धि नहीं दिया जाएगा। अनुत्तीर्ण शिक्षकों को दक्षता अनुत्तीर्ण, यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने जारी किया है। तो मनोज कुमार बड़े कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं शिक्षकों की क्वालिटी को लेकर के, एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर के, ये एक अच्छी बात है। अभी अगली खबर की तरफ चलेंगे। हर शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की हर वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मांग, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मांग जोर पकड़ ली है। मंगलवार को बीटेट कराने की मांग को लेकर के मार्च निकाला गया। इसमें शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि बीटेट का आयोजन जल्द हो सके और सातवें चरण की प्रक्रिया आयोजित हो। 2017 के बाद तक अभी तक बीटेट नहीं किया गया है। 2017 से 22 के बीच लाखों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। हर वर्ष बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। तो ये तमाम वही लोग हैं जिनका सीटेट पास नहीं हुआ है। सीटेट तो लगातार हो ही रहा है और सीटेट पे बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन भी नहीं है, पर जिन लोगों का सीटेट भी नहीं क्लियर हो पाता है वो लोग बीटेट में, चूँकि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर धांधली खूब होता है, तो इसी से उम्मीद लगाए रहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये बीटेट कराने की मांग है। वैसे एक चीज़ है कि अगर भले अभी सरकार बीटेट कराए ना कराए, अभी अगर बीटेट कराने लगेगी और इनको इंक्लूड करवाने लगेगी तो फिर सातवां फेज लेट हो जाएगा, ये मुश्किल है। लेकिन नियम ये होना चाहिए कि अगर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगातार सीटेट करवा रही है, अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी बीटेट कराना है तो उसका भी कोई टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 8 साल 10 साल 15 साल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ एक टाइम पीरियड फिक्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे साल भर में एक बार या 2 साल 3 साल में एक बार, ताकि एक सिस्टम बना रहे, पढ़ने वाले को ये पता रहे कि कब एग्जामिनेशन होना है। अभी जो अनसर्टिनिटी का माहौल है, क्योंकि सीटेट तो 1 से 8 तक ही है, जो सेकेंडरी टीचर रिक्वायरमेंट है उसके लिए बड़ी अनसर्टिनिटी हो जाती है। लेकिन एक बात है कि सातवें फेज के बाद बीटेट हो या ना हो मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन एसटेट ज़रूर होगा, क्योंकि सेकेंडरी में सरकार को टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। इस बारे में आप लोग भी अवेयर होंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज के अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। सभी बड़े अखबारों को चेक करके मैंने ये खबर निकाला था। आगे भी इसी तरह से मैं जो भी खबरें आएंगी छठे फेज़ को ख़त्म करने को लेकर के या सातवें फेज़ की शुरुआत को लेकर के, उसको मैं कवर करता रहूँगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सभी खबरें आप तक टाइम पे पहुँचें। थैंक यू।